रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, हाउ इज योर स्टेटस आर गोइंग? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. क्लास 7 में हमारा टॉपिक है सेट्स. में हमने आज एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करना है. ठीक है, तो पहले तो हम होमवर्क को रिवाइज कर लेते हैं. आपको मैंने होमवर्क दिया था फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप यकीनन आपने अपना होमवर्क डन किया होगा. तो अब आपने जो होमवर्क डन किया तो उसको आप ज़रा मैच कर लें अपने होमवर्क के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, दो सेट्स गिवन है और बी, ए यूनियन बी फाइंड करना और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना. तो ए यूनियन बी आपके पास आ गया -1, -2, -3, -4, -5. यूनियन क्या होता है, दो सेट्स को कंबाइन करके जो हमारे पास न्यू सेट आ जाता है वो यूनियन सेट आ जाता है. ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. जब आपके पास दो सेट्स में कोई जो एलिमेंट्स कॉमन हो उनको आप ले लेते हैं तो वो आपके पास इंटरसेक्शन कहलाता है. तो यहाँ पे -2 और -3 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं. तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी, -2, -3. 4 पार्ट है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी क्या है, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13. ठीक है, हमने कंबाइन कर लिया. और सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पॉइंट एलिमेंट्स कौन से, 5, 7, 11. ठीक हो गया. तो अब आपने क्या करना है, आपने मैंने आपको क्या बताया था, कौन से पॉइंट्स इसमें बताए थे कि आपने जब यूनियन लेना है तो अगर दोनों सेट्स में आपके पास अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं एक जैसे आ रहे हैं तो उनको सिर्फ आपने एक दफ़ा लिखना है. जैसे कि 5 ए में भी आ रहा है, 5 बी में भी आ रहा है, तो आपने जस्ट 1 टाइम लिखना है, नॉट राइट 2 टाइम. ओके, तो ये हो गया आपका प्रीवियस वर्क. नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सी इज इक्वल टू 3, 4, 5 देन फाइंड. अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास यूनियन क्वेश्चंस में आपके पास थ्री सेट्स आ गए. ठीक है, अब आपने 3 सेट्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करना है. तो अब आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक हो क्या, जिस तरह आपके पास नंबर्स होते हैं, जिस तरह हम ब्रैकेट डीमाउस रूल हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स को हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, देन नेक्स्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. तो अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें ए यूनियन बी ब्रैकेट में गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर का यू के साथ सी के साथ यूनियन ले लेंगे. तो अब ए यूनियन बी आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन 1, 3, 5 यूनियन सी का सेट आपने अलग लिख लिया और ए यूनियन बी को कंबाइन लिख लिया. तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन 3, 4, 5. जब आपने इसका यूनियन दोबारा ले लिया तो आपके पास क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये देखिए हमारे पास 3 सेट्स थे और 3 सेट्स पे भी हमने यूनियन अप्लाई कर लिया. ठीक हो गया, तो पहले हम ब्रैकेट्स वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके आंसर को हम नेक्स्ट सेट के साथ उसका यूनियन ले लेंगे. तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1. ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाएं. क्वेश्चन 4 कहते हैं ए यूनियन बी इन टू बी इंटरसेक्शन सी. अब क्या आ गया आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी. नाउ यू हैव टू ऑपरेशंस हियर. ठीक है, यूनियन भी लिया जा रहा है और इंटरसेक्शन भी लिया जा रहा है. जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, प्लस और माइनस कंबाइन कर लेते हैं. आपके पास क्वेश्चन होता है 2 + 4 × 2 − 1. ठीक हो गया, तो हम उसको डीमास रूल से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यूनियन और ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए बी सी. ओके, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. ए आपके पास ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी को इंटरसेक्ट करना है पहले आपने. तो इन दोनों में आपके पास कौन से एलिमेंट्स का मन आने, 3 और 5. ठीक है, ए आपके पास क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
फिर आपके पास क्या है, यूनियन, आपके पास इंटरसेक्शन आ गया बी इंटरसेक्शन सी, 3 5, इसका यूनियन लिया तो 0 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पार्ट 4 डन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट 5 देखे। पार्ट 5 में क्या कहते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या करना है आपने, ए यूनियन बी ले लेना और यूनियन सी ले लेना और दोनों का इंटरसेक्ट कर लेना है, ठीक है, दोनों के सेट्स को इंटरसेक्ट करना है। तो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5, बी क्या है 1 3 5, इंटरसेक्शन 0 1 2 3 4 5, यूनियन 3 4 5। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने इसका यूनियन ले लिया, यानी कि कंबाइन कर लिया दोनों एलिमेंट्स को, दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को। तो आपके पास क्या आ गया, जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो 0 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन आने हैं, तो आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये देखिए आपने क्वेश्चंस कितने इजी हैं, जस्ट यू हैव, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना आ गया ना, तो आगे आपको जिस टाइप के भी क्वेश्चन गिवन हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 चल रहा है उसमें पार्ट 2 और पार्ट 4 ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके इमेजेस भी दे दूंगी, फिर आप अपने होमवर्क के साथ चेक कर लें कि आपने ठीक किया या नहीं किया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।